नमस्कार, मैं आशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में दाखिल खारिज की नई टाइमलाइन होगी तय। कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर। आज से शुरू हो रहा है 5 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र। UGC और शिक्षा विभाग के साथ होगा MOU। टेस्ट सीरीज हारने से टीम इंडिया को हुआ बड़ा फायदा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 551 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विभिन्न डोमेन में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के कुल मिलाकर 551 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित है, जिसमें ग्रेजुएशन या CA या CMA या CFA या PG डिग्री और डिप्लोमा इन बिजनेस या मैनेजमेंट या फाइनेंस या बैंकिंग या एग्रीकल्चर एटसेट्रा की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पदों के लिए अनुसार 3 साल से लेकर 12 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में दाखिल खारिज की नई टाइमलाइन होगी तय। बिहार में दाखिल खारिज, राजस्व एवं भूमि से संबंधित अन्य काम को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार की ओर से नए सिरे से टाइमलाइन जारी किया जाएगा और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका अनुपालन सही ढंग से किया जाए। वहीं वैसे अधिकारी जो काम को सही तरीके से नहीं करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि दाखिल खारिज से जुड़े किसी भी मामले को ज्यादा समय तक लंबित रखने को भी गुनाह में गिना जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इसके लिए जो भी अभी दिन तय किए गए हैं उसके अनुसार विवादित मामलों के लिए 35 दिन जबकि अन्य जांच के लिए 75 दिनों का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में सुनी कुल 54 फरियादियों की फरियाद। बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने कुल 54 फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान मुजफ्फरपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे पति की मृत्यु कोरोना से हो गई, इसके बाद भी उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिली। इसके बाद CM नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को फोन लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई, इनका कहना है कि इन्हें सरकारी सहायता राशि नहीं मिली है, इसे देखिए। दूसरी ओर कैमूर से आई एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति शिक्षक थे, अवकाश प्राप्त करने के बाद उनका निधन हो गया, आज तक मुझे प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस खास बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बता दें कि इस बैठक में PMCH में ग्रीन केंद्र, बिजली उपकेंद्र की अधिष्ठापन के लिए 2,55,00,00,000, 79,71,000 स्कीम की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में विकास प्रबंधन स्वास्थ्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-2027 तक अवधि में विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थायी कैंपस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय 98.45 करोड़ अनुदान की स्वीकृति मिली है। सबसे बड़ी बात कि बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है और इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। खाली पड़े चौर के विकास के लिए बिहार सरकार कर रही काम। बिहार के तमाम खाली पड़े चौर के विकास हेतु सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चौर के विकास से लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और इसका विकास भी होगा। इसके लिए बिहार सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जल कृषि हेतु विकसित करना। यहां मछली पालन के साथ साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे राज्य न केवल मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दूसरे राज्यों को मत्स्य निर्यात भी कर सकेगा।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे खुदा बख्श खां की। मौलवी खुदा बख्श खां पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे, जिसे इस्तांबुल सार्वजनिक ग्रंथालय तुर्की के बाद दुनिया के दूसरा सबसे बड़े ग्रंथालय के रूप में देखा जाता है। आज यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था मान ली गई है, क्योंकि 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा ग्रंथालय का नियंत्रण भारत सरकार अपने हाथ में ले चुकी है। यहाँ पर उर्दू, फारसी और अरबी की हजारों पांडुलिपियां मौजूद हैं। खुदा बख्श खां का जन्म 2 अगस्त 1842 को सिवान के करीब उखाई गांव में हुआ था। उनके पूर्वज मुगल राजा आलमगीरी की सेवा में थे। उनके पिता पटना में एक प्रसिद्ध वकील थे, पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में जाता था। वे ही पटना में खुदा बख्श को लेकर आए थे। नालंदा में करीब 400 करोड़ की लागत से बन रहे डेंटल अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संग नालंदा के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बीते दिन लगभग 404 करोड़ की लागत से बन रहे राजकीय डेंटल महाविद्यालय और अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी के अलावा विभागीय पदाधिकारी भी नालंदा में मौजूद रहे। बताते चले कि यह अस्पताल नालंदा के पैठना गांव में स्थापित हुआ है, जो बख्तियारपुर बरही राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर रहुई मोड़ के पास स्थित है, जो बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताते चले कि इस परियोजना पर काम 26 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसे 31 जुलाई 2023 तक पूरा करने की तिथि निर्धारित की गई है। इस परियोजना में 3 प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, पहला शैक्षणिक भवन, दूसरा अस्पताल भवन और तीसरा आवासीय भवन। आज से शुरू हो रहा है 5 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज यानी 13 दिसंबर को बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों की होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक और राजकीय कार्य पेश किए जाएंगे। बता दें कि ये 17वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। हाल के दिनों में 3 विधानसभा क्षेत्र से नए विधायकों का उपचुनाव में निर्वाचन हुआ है। मुकामा, गोपालगंज और कुढ़नी के नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणित कॉपियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ पहले दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापना किया जाएगा। इसके बाद शोक प्रकाश लाया जाएगा। पिछले सत्र से लेकर अब तक विधानसभा विधान परिषद के ताल्लुक रखने वाले पूर्व सदस्य के निधन पर शोक प्रकाश लाया जाएगा। इस दिन से होगा एसटीईटी 2023 के लिए आवेदन। बीएसईबी ने एसटीईटी 2023 की तिथि जारी कर दी है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एसटीईटी का आयोजन 6 से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एसटीईटी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। आवेदन 14 फरवरी तक कर सकते हैं। एसटीईटी का एडमिट कार्ड 24 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के बाद आंसर की पर 2 से 5 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट जून 2023 में किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। आनंद किशोर ने यह भी कहा कि आवेदन करने की तिथि बोर्ड बढ़ा भी सकती है। वहीं आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट की कक्षा 9वीं की आंतरिक वार्षिक परीक्षा फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी। देशभर में मशहूर है बिहार के ये 5 खूबसूरत झरने। बिहार प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। यहाँ आपको विहंगम दृश्य वाली पहाड़ियाँ, मनोरम झरने, झील, नदियाँ, जंगल सब कुछ मिल जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम बिहार के वैसे 5 झरने के बारे में बात करेंगे जो देशभर में मशहूर है। टॉप 5 में शामिल है बिहार का नवादा जिला में स्थित ककोलत जलप्रपात, जिसके चर्चे देश भर में है। 4थे नंबर पर करकट वाटरफॉल या झरना कैमूर जिले में स्थित है। टॉप 3 पर शामिल है तेलहड़ कुंड, जो कि कैमूर में स्थित है। दूसरे नंबर पर कशिश वाटरफॉल, जो कि रोहतास जिले में है। और पहले नंबर पर है मांझर कुंड, यह भी रोहतास जिले में स्थित है। यह 5 ऐसे वाटरफॉल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 155 किलोमीटर स्पीड लायक पटरी हुई तैयार। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना होकर गुजरेगी, इसके लिए 155 किलोमीटर स्पीड लायक पटरी भी तैयार कर ली गई है। नई पटरी पर अब रेलवे बोर्ड जल्द ही ट्रायल की अनुमति भी दे देगी। बता दें कि दिल्ली पंडित दीनदयाल जंक्शन वाया पटना जंक्शन रूट पर सभी तरह की ट्रेनों की रफ्तार अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं नई पटरी बिछने के बाद इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। इतनी अधिक रफ्तार होने के कारण पुल पुलिया पर बिछी हुई पटरी से जोर की आवाज और ज्यादा कंपन ना हो, इसलिए इन जगहों पर पटरियों को मजबूत किया जा रहा है, जिसके बाद यहां 56 किलोग्राम की पटरी की जगह सभी जगह 60 किलोग्राम की पटरी बिछा दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव पटना जंक्शन पर निर्धारित किया गया है। यह ट्रेन पटना जंक्शन से ही खुलनी है।
UGC और शिक्षा विभाग के साथ होगा MOU। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अब किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके विश्वविद्यालय में आपकी जरूरत की किताबें नहीं भी हैं, तो आप बिहार के दूसरे विश्वविद्यालय से वो किताबें ले सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए बिहार के सभी 15 विश्वविद्यालय को आपस में ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिस पर विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों में उपलब्ध बुक का कैटलॉग तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाएंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को, खासकर रिसर्चर को, काफी सुविधा होगी। वो ऑनलाइन माध्यम से ढूंढ पाएंगे कि उनकी जरूरत की किताबें कौन से विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। वहीं इसके लिए सभी 15 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालयों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग UGC इन फ्लिपनेट के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इन दो जिलों में चेक पोस्ट की स्थापना कर शराब की जांच हुई शुरू। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी ना तो पीने वाले बाज आते हैं और ना ही इसका व्यापार करने वाले। हालांकि इसके लिए मद्य निषेध विभाग हर संभव ठोस कदम उठा रही है ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके। इसके मद्देनजर मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब पर लगाम लगाने के लिए पटना जिले में 8 और मुजफ्फरपुर जिले में 9 सहित कुल 17 प्वाइंट पर चेक पोस्ट की स्थापना कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक अन्य जिलों में भी इस तरह के प्रस्ताव मिलने पर अंतर जिला चेक पोस्ट की शुरुआत की जाएगी। यहां पर वाहनों की जांच के लिए उपकरण के साथ शराब पीकर गुजरने वाले लोगों की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर की व्यवस्था रहेगी। 2,70,000 मीट्रिक टन धान की अब तक हो चुकी है खरीद। 45,00,000 मीट्रिक टन धान में अब तक मात्र 2,70,000 टन धान की खरीद हुई है, जो पूरे धान का मात्र 6% हिस्सा है। लेकिन यह खरीद पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है। इस बार उत्तर बिहार में धान की खरीद 1 नवंबर और दक्षिण बिहार में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित विभागीय अधिकारी ने कहा है कि धान में नमी अधिक होने की वजह से खरीद धीमी है, पर पिछले बार के मुकाबले खरीद अच्छी है, इसलिए जल्द ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सरकार द्वारा इस बार केवल उसना चावल की ही खरीद की घोषणा किए जाने पर राइस मिल द्वारा इसका विरोध चल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक कानून संशोधन 2022 की मिली स्वीकृति। बीते दिन कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों में एक बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति भी दी गई है। बता दें कि इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। यह नियम शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता को 100 रुपये तो इसकी बिक्री पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर क्रम से जुर्माना राशि भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानून संशोधन किया जाएगा। DPSC द्वारा चयनित इंजीनियरों ने किडनी ले लो ज्वाइनिंग दे दो का नारा किया बुलंद। बीते दिन राजधानी पटना में नव चयनित इंजीनियरों ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद बेली रोड जाम हो गया है। इन्होंने किडनी ले लो ज्वाइनिंग दे दो का नारा बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे बीपीएससी के द्वारा चयनित इंजीनियर हैं। इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को जून 2022 में पूरा कर लिया गया, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मामला कोर्ट में चला गया और फिर बैकडेट से नया नियम लागू कर इनकी नियुक्ति रोक दी गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस संबंध में वे चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। इस दिन होगी चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर सुनवाई। बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर हाईकोर्ट में 14 दिसंबर 2022 को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर गहरा असंतोष जाहिर किया था। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर जा रही है। सुशील मोदी ने 2000 के नोट पर अपनी ही सरकार से मांगे स्पष्टीकरण। बीते दिन सोमवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने 2000 के नोट बंद करने की मांग की है। दरअसल शून्यकाल से इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश के अधिकांश ATM से 2000 रुपए के नोट गायब हो गए हैं और अफवाहें हैं कि वे जल्द ही कानूनी निविदा नहीं होंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। सुशील कुमार मोदी ने यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब 1,000 रुपए के नोट का चलन बंद हो गया था तब 2,000 रुपए के नोट लाने का कोई तर्क नहीं था। उन्होंने विकसित देशों के उदाहरणों का हवाला दिया जिनके पास उच्च मूल्य वर्ग के नोट नहीं है। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2,000 रुपए के नोटों की जमाखोरी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को धीरे धीरे 2,000 रुपए के नोट बंद करना चाहिए। वहीं नागरिकों को 2,000 के नोटों को बदलने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के PM बनने वाले बयान को सम्राट चौधरी ने बताया जोक ऑफ द ईयर। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने 2024 में नीतीश कुमार के PM बनने वाले बयान को जोक ऑफ द ईयर बताया है।
दरअसल इसके माहौल पटना में जदयू के चल रहे खुले अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की मांग राष्ट्रीय स्तर पर की है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना है, इसके लिए हम 6 महीने तक संघर्ष करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के पीएम तक नीतीश को पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस खुले अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो नारेबाजी की। इसी पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पीएम बनने वाले बयान पर जोक ऑफ द ईयर करार दिया है। नीतीश कुमार को पीएम बनाने के सवाल पर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह का कहना है कि हर बिहारी की यह चाहत है कि नीतीश कुमार पीएम बने। यही नहीं, जगदानंद सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब गुजरात के लोग गुजराती को आगे बढ़ा सकते हैं तो बिहार के लोग प्रधानमंत्री के लिए बिहारी को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। बीते दिन अपने कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार देश को सही नेतृत्व देगा। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरातियों ने जेपी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया, जबकि गुजरात में जन्म लेने वाले आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बिहार की चंपारण की धरती ने बनाया। उस से जेपी ने आंदोलन की एक छोटी चिंगारी को बड़ा रूप दिया और वह सारी ताकतें आज नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज हारने से टीम इंडिया को हुआ बड़ा फायदा। पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज हारने से इंग्लैंड से ज्यादा भारत को फायदा हुआ है। बता दें कि सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम का जीत प्रतिशत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2021-23 के सत्र में 51.85% के काफी करीब था और अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत जाती तो भारत के लिए खतरा बन सकती थी। हालांकि पहले मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान का जीत प्रतिशत 51.85% से घटकर 46.67% ही रह गया। लगातार दो मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर खिसक गई। वहीं भारत चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया इस समय टॉप पर है, वहीं इंग्लैंड पांचवें स्थान पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इलाचंद जोशी का जन्म 1903 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद्र जैन का जन्म 1925 में हुआ। एक फारसी विद्वान लेखक वैज्ञानिक धर्मज्ञ तथा विचारक अल बेरूनी का निधन 1948 में हुआ। हिंदी फिल्मों का प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन 1986 में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। भारत और सोवियत संघ ने 1955 में पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया। दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर 2001 में आतंकवादी हमला। एक फारसी विद्वान लेखक वैज्ञानिक धर्मज्ञ तथा विचारक अल बेरूनी का निधन 1048 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी एटीएम से रुपए निकालने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एटीएम से पैसे निकालने के विषय में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि बचत खाते में वर्ष में 40 ट्रांजेक्शन से अधिक होने पर जमा राशि से प्रति ट्रांजेक्शन 57.05 रुपए की कटौती की जाएगी और एटीएम से 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर कुल 173 रुपए काटे जाएंगे। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा फेक है, एसबीआई ने ट्रांजेक्शन के नियमों में बदलाव नहीं किया है। पुष्पा के निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा, जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने डायलॉग डिलीवरी और पुष्पा के खास किरदार ने डंका बजाकर रख दिया। इस मूवी ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन अब यह ही कमाई तेलुगु फिल्म मेकिंग कंपनी मैत्री फिल्म के निर्माताओं के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल तेलुगु फिल्म मेकिंग कंपनी मैत्री फिल्म के निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर छापेमारी की है। इस कंपनी ने पुष्पा, रंगस्थलम, श्रीमंथुडु और जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा फिल्म बनाने वाली तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैत्री के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग को शक है कि इस प्रोडक्शन कंपनी में कुल 6 NRI लोगों ने भी निवेश किया है। एलोन मस्क ने ट्विटर ब्लू किया रिलॉन्च। ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने आने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्विटर ब्लू भी इनमें से एक है। कंपनी ने इसे नवंबर की शुरुआत में लॉन्च किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत से यूजर्स ने अपने अकाउंट को सत्यापित यानी वेरीफाई करा लिया था, जिसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नए वेरीफाइड खातों की बाढ़ आ गई थी। वहीं अब बीते दिन ट्विटर सोमवार 12 दिसंबर को अपने ट्विटर ब्लू की शुरुआत फिर से की है। कंपनी ने कहा है कि हम सोमवार को ट्विटर ब्लू लॉन्च कर रहे हैं। सब्सक्राइबर ओनली फीचर्स को एक्सेस करने के लिए $8 प्रति माह या iOS के लिए $11 प्रति माह के लिए वेब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही ट्वीट एडिट करने के साथ साथ ही हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करने और रीडर मोड एक्सेस करने की भी सुविधा मिलेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार दास, प्रहलाद कुमार, कुमारी संजुना, अनवर करीम खान, विपिन कुमार, अतीक खान, के सिन्हा, तब्रेज आलम, नंद कुमार सिंह,
बसंत सिंह यादव, चंदन कुशवाहा, रामशंकर सिंह और सुखदेव यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नीतीश कुमार के ज्वलंत दरबार से आम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।